लाडली बहनों को 1250 रुपए के अतिरिक्त सावन पर 1 अगस्त को मिलेंगे 250 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्री सावन में अपने क्षेत्र की लाडली बहनों से राखी बंधवा कर मनाए रक्षाबंधन। श्रावण मास में श्रद्धालुओं के आगमन और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। वर्षा की स्थिति और नदी व बांधों के बढ़ते जल स्तर के प्रति जागरूक व सतर्क रहें। विकास व जन कल्याण के लिए केंद्रीय बजट से अधिकतम राशि प्राप्त करें। मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में है शामिल। छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह राशि प्रति माह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। लाडली बहनों को प्रति माह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। उन्होंने मंत्रीगण से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने अपने क्षेत्र की लाडली बहनों से राखी बंधवाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। MP न्यूज लाइव जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास खबर। उनका महीना प्रारंभ हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने चार जातियां बताई है, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गांवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई।